स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूँ अपने पांचवें टेस्ट के ऊपर। वो पांचवा टेस्ट है पुशअप्स फॉर बॉयज, ठीक है। और जो गर्ल्स का पुशअप्स होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं ताकि कोई गर्ल्स है, कोई भी नॉर्मल गर्ल्स वो कर सके, ठीक है। तो हम लोग बॉयज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका पर्पस क्या होने वाला है। जो इसका पर्पस होने वाला है कि टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। जैसे कि हमने पिछले टेस्ट में क्या देखा था कि हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स के जो हम लोग एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ को हमने देखा था, इस वाले पार्ट में हम लोग अपर बॉडी पार्ट के स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को देखने वाले हैं, जो हमारे इस ये वाले एरिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए वो है कि फ्लोर मेट, जो हम लोग दड़ी जिसे चटाई भी बोलते हैं, जो हम लोग योगा जिस पे करते हैं वो चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा पेन एंड रिकॉर्ड सीट। रिकॉर्ड सीट में जैसे कि हम लोग एज, नाम, उसकी हाइट, उसकी वेट, ये सारी चीजों को हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। प्रोसीड्यूर क्या होने वाला है कि सब्जेक्ट यानी कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट शुड टेक अ पोजिशन इन सच ए वे दैट हैंड एंड टोज शुड टच द मैट्स एंड बॉडी शुड बी सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है। आपको बगल में एक इमेज भी दिख रहा होगा कि इस पोजिशन में पहले आपको आना है, ठीक है। कैसा है क्या है, मान लो कि अगर आपकी ये मेट हो गई, आपने कुछ हाथ ऐसे कुछ टच कर दिए, ठीक है, कुछ आपके हाथ ऐसे आ गए, ठीक है। आपके यहाँ मान लो कि ये आपकी हेड हो गई, आपके हाथ कुछ ऐसे आए हुए हैं और आपके पैर कुछ ऐसे आएंगे और लास्ट में कुछ ये ऐसे टच होगा, ठीक है। आपकी बॉडी और ये वाली जो बीच वाली बॉडी पार्ट है ये आपकी सस्पेंडेड होगी। मान लो कि आपके हाथ यहाँ पे आ गई, आपके यहाँ पे पैर आ गए और ये बॉडी पार्ट आपकी सस्पेंडेड होगी, ठीक है। ये आपका इनिशियल पोजिशन हो गया। हैंड शुड बी शोल्डर विथ अपार्ट, यानी कि अगर आपने आपकी जितनी कंधे जितनी चौड़ी है और उतना ही वे में उतना ही डिस्टेंस के बीच में आपकी जो हाथ है दोनों के बीच में डिस्टेंस भी उतनी होनी चाहिए। मान लो कि ये मेरे दोनों कंधे के बीच में डिस्टेंस हो गया मान लो कि 40 सेंटीमीटर, तो आपकी जो हाथ है दोनों जो पाम्स होंगे दोनों जो हैंड्स होंगे उसके बीच में डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। यानी कि आपको अपने हाथों को स्ट्रेट रखनी, ऐसा नहीं कि आप थोड़े से फैला दिए, थोड़े से इसको सिकोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द अपर बॉडी एंड लेग शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। अपर बॉडी आपकी ये हो गई और लेग्स हो गए ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दिए, ये थोड़ा सा ऐसे उठा दिए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट शुड लोअर्स द बॉडी सो दैट इल्बो टच द फ्लोर और मेट बाय 90 डिग्री, लिख सकते हो कि 90 डिग्री से टच होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बगल में एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें देखो कि मान लो इनिशियल पोजीशन में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से थे, अब फाइनल पोजीशन में कैसे आपको आना है वो आप यहाँ पे देख लो। यानी कि आपकी जो एल्बो है यहाँ पर उस एल्बो 90 डिग्री टच हो जाएगी, 90 डिग्री टच होकर मान लो कि आपकी पाम्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो आपके हथेली है यहाँ पे आ जाएंगे और आपकी बॉडी अभी भी कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे आपके पैर होंगे, ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ पर पैर होने वाले हैं, ये आपके मैट हो गए, ठीक है। यानी कि आप इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन में आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए और फिर इसके बाद आप इस पोजीशन में आ गए तो आपकी ये एक रिपीटिशन हो गई, आपकी एक पुशअप्स हो गई, ठीक है। इनिशियल पोजीशन आपका ये हो गया, आपने अपने ऐसे जो था आपने इसको 90 डिग्री पर नीचे आपने पुश किया, नीचे आप गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इनिशियल पोजीशन में आ जाना, ठीक है। ये जो आपका दोनों जो आपका पोजीशन हुआ, ये दोनों का जो पोजीशन आप कर रहे हो ये एक रिपीटिशन हो गई, यानी कि एक पुशअप्स हो गए, ठीक है। नाउ रिटर्न बैक टू नॉर्मल पोजिशन, इस पोजिशन में आपको आ जाना है कि कंटिन्यू दिस टिल गेट एग्जॉस्टन, यानी कि जब तक आप पूरी तरीके से थक नहीं जाते हो, लगता है कि आप गिव अप कर देनी चाहिए, मेरी इतनी कैपेबिलिटीज थी, मैं कंफर्ट जोन में जब तक रहा मैं कर सका, तो उतने देर तक करो। यानी कि आपको इस तरह से 5 बार अपने पुशअप्स किए तो आपके यहाँ पर 5 पुशअप्स हो गए, यही नोट डाउन हो जाएगा रिकॉर्ड में, ठीक है। ये आपका हो गया पुशअप्स फॉर बॉयज, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे और ऐसे भी पुशअप्स इतनी भी कॉमन है कि आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है।